धनबाद। लोग ऐसे तो कोयले के लिए जानते हैं और कोयले से पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन अब धनबाद में ना सिर्फ कोयला बल्कि फिल्में भी बनने लगी हैं। बड़े बड़ों शहरों से लोग धनबाद की ओर आने लगे हैं और यहाँ के युवाओं को फैशन डिजाइनिंग और एक्टिंग के कलाओं से रूबरू करवा रहे हैं। इसी को लेकर आज धनबाद के वेडिंग विल्स में कैंप वेंचर्स के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले सितंबर के अंत तक गोविंदपुर स्थित के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक भव्य फैशन शो का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम फैशन किंग एंड क्वीन रखा गया है। इसको लेकर वेडिंग विल्स में ही 16 सितंबर को इसका ऑडिशन रखा गया है। इस फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए एक चार्ज रखा गया है, वह ₹500 का है। फैशन शो को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कैंप वेंचर्स के द्वारा न सिर्फ देश के फैशन के जमाने के कलाकार आ रहे हैं, बल्कि मिस यूक्रेन और मिस एशिया और भी बहुत सारे कलाकार उसमें भाग लेंगे। इनके साथ धनबाद के युवाओं को कम करने का मौका भी मिलेगा। इस फैशन शो में जो भी बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनको फिल स्टार ब्रांड के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा, और साथ ही साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट एवं मिंत्र और तमाम ऑनलाइन साइट में उन्हें फोटोशूट का अवसर भी दिया जाएगा। जो भी इस हिस्सा लेंगे उन्हें सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाएगा। वार्ता का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक बहुत बड़ा शो करवाने जा रहे हैं धनबाद में। हमारे धनबाद में बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो कि मतलब वो प्रतिभाशाली हैं पर वो मतलब इस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो हमारे शो में आए, हमारे शो में पार्टिसिपेट करें और फिर हमारे शहरों से बाहर निकले पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो अपना प्रचार और अपना वर्क करें। इसमें कहाँ कहाँ के रूप में आएंगे? ज्योतिका जी आ रही हैं जो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं और फेमस सिंगर हैं, और मनोज डे आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही हैं ज्योतिका, ज्योति श्री जी। अपना परिचय दे। मेरा नाम है पूनम यादव। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है, हम एक फैशन शो करवाने जा रहे हैं फैशन किंग एंड क्वीन 2023। इसके बारे में हम मीडिया के माध्यम से पूरे धनबाद को बताना चाहते हैं कि सितंबर के अंत में एक शो होने जा रहा है, और इससे पहले 16 सितंबर को हम इसी वेडिंग बेल्स में अपना ऑडिशन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं जो कि शो स्टॉपर के रूप में आ रहे हैं। 24 से 25 मॉडल ऐसे आ रहे हैं जो कि शो स्टॉपर होंगे और जो प्रोफेशनल मॉडल होंगे, जिसमें एक यूक्रेन की मॉडल आने की चांसेस है और एक मिसेज एशिया है, और MBA चाय वाला में भी काम कर चुके मॉडल हैं, वाओ मोमोज में भी काम कर चुके हुए मॉडल हैं, बहुत सारे अच्छे मॉडल आ रहे हैं और उनके साथ धनबाद के बच्चों को काम करने का मौका मिलेगा। ये कितने तारीख की? इसकी तारीख हम बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से बता देंगे। 16 को ऑडिशन है और उसके बाद सितंबर अंत में हमारा शो होगा। कहाँ इसका आयोजन होगा? इसका मुख्य उद्देश्य मतलब क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि बड़े शहरों में तो लोगों को बहुत सारा चांस मिल जाता है मॉडलिंग के जगत में, लेकिन हमारे शहर में बहुत कम चांस मिलता है, और बहुत अगर शो भी होते हैं तो किसी तरह के छोटे स्तर पे ही शो हो पाते, बड़े शो हो नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को भी आगे काम मिले, और जो बच्चे यहाँ से टॉप 3 में, लड़का हो या लड़की, में टॉप 3 में जो लोग आएंगे उनको फील स्टार ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए फ़ोटोशूट करने का मौका मिलेगा, और जो भी बच्चे फाइनलिस्ट होंगे उनको सर्टिफिकेट और कॉन्सोलेशन प्राइज सबको मिलेगा। ऑडिशन कितने दिन तक चलेगी और कितने? ऑडिशन एक ही दिन के लिए। कितने कैंडिडेट्स इसमें आना है? क्या इसका फीस क्या है? ऑडिशन का फीस जो है ये हमारा 500 रहेगा, और उसके बाद जो बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं उनका फूडिंग, एकोमोडेशन और उनका किसी भी तरह का ग्रूमिंग चार्ज नहीं लगेगा, और ग्रूमिंग और 3 दिन की, 2 दिन की ग्रूमिंग का क्लास चलेगी, और उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस के बाद जो है हमें बच्चों को लैक्मे के थ्रू मेकअप भी मिलेगा। हमारा पार्टनर आर लॉन्च भी है, वहाँ भी बच्चों को मेकअप के लिए मिलेगा, और फिर जा कर के रैंप में बच्चे उतरेंगे। इस लक्ष्य में मतलब कितने प्रतिभागी भाग लेने का लक्ष्य तो हमारा कम से कम 500 बच्चों को जगह देने का है कि 500 बच्चे आए। अब तो हमारे बच्चे जिनको इनमें इच्छा होगी वही आएंगे। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मयूर नंदन है और मैं कैम्प वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर करने वाले हूँ।
जी हाँ, मैं उसमें एज अ मतलब ऑलरेडी पहले भी काम कर चुका हूँ एज अ शो में, ठीक है, और मैं एक रनवे मॉडल हूँ ऑलरेडी। मैंने पहले कहाँ आप मॉडलिंग कर चुके हैं? इससे पहले मैंने मिस्टर उड़ीसा जो किया हुआ है, ठीक है, और भी छोटे मोटे शोज कर चुका हूँ, एज पर वेब सीरीज़ भी मैंने किया हुआ है। अभी तक आप का मतलब कितने दिनों का एक्सपीरियंस रहा है? लाउडली बोल, और थोड़ा लाउडली बोल, धनबाद में आकर कैसा लग रहा है अब तक आपको, कितना एक्सपीरियंस रहा अभी तक? धनबाद में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, खास करके मयूर सर का शो में तो काफ़ी मज़ा आया काम करके, और आने वाले जितने भी मॉडल्स हैं उनको भी यही कहूँगा कि जो भी आएंगे उनके लिए वेलकम है, और उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इतना बड़ा ग्रैंड शो पहली बार धनबाद में होने वाला है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीयूष सोना।